बॉलीवुड की दुनिया में कुछ घटनाएं फैंस को हैरान कर देती हैं और ऐसी ही एक चर्चा का केंद्र है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी। अफवाहों का दौर बढ़ता जा रहा है और हाल की घटनाओं ने इसमें और भी जान डाल दी। आइए जानते हैं वो छह बातें जिन्होंने इन चर्चाओं को हवा दी है। पॉइंट छह, ऐश्वर्या अकेले दिखी अंबानी शादी में। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेली नजर आईं। बाकी बच्चन परिवार अमिताभ, जया, अभिषेक, श्वेता, नव्या और अगस्त्य सभी एक साथ पहुंचे थे और मीडिया के लिए हंसते मुस्कुराते पोज भी दिए। हालांकि बाद में ऐश्वर्या और अभिषेक शादी में साथ बैठे नजर आए, लेकिन ये आखिरी बार था जब दोनों को एक साथ देखा गया। पॉइंट पांच, ऐश्वर्या की शादी की अंगूठी गायब। ऐश्वर्या की सार्वजनिक इवेंट्स में बिना शादी की अंगूठी नजर आना फैंस की उत्सुकता को और बढ़ाता है। इस बारे में बच्चन परिवार का कोई भी सदस्य कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। पॉइंट चार, अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की देर से शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन के 82वें जन्मदिन पर ऐश्वर्या ने देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आराध्या के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे पा दादाजी। इस पोस्ट में ऐश्वर्या का प्यार झलकता है, लेकिन अभिषेक और श्वेता ने सोशल मीडिया पर अमिताभ को विश नहीं किया, जिससे परिवार में रिफ्ट की चर्चाएं और बढ़ गई हैं। पॉइंट तीन, अभिषेक का भोपाल जाना। ऐश्वर्या का फैमिली गेट टुगेदर जब अभिषेक अपनी बीमार दादी से मिलने भोपाल गए, उसी समय ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या और मां वृंदा राय के साथ एक पारिवारिक गेट टुगेदर में शिरकत की। इससे फैमिली इवेंट्स में दोनों के अलग अलग रास्ते अपनाने की बात को और बल मिला। पॉइंट दो, पुराने इंटरव्यू और स्लैम बुक एंट्रीज। हालांकि कपल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन फैंस ने ऐश्वर्या के पुराने इंटरव्यू और स्लैम बुक एंट्रीज को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। एक स्लैम बुक एंट्री में ऐश्वर्या ने प्यार, दुख और व्यक्तिगत ताकत पर अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने अपने दुख को मेरा बताया और प्यार के बारे में कहा, मुझे प्यार में होने का ख्याल पसंद है। उनकी ये बातें उनके इमोशनल कनेक्शन को बयां करती हैं। पॉइंट एक, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग एंट्रीज और सोशल मीडिया पर चर्चाएं। फैंस ने देखा है कि दोनों हालिया इवेंट्स में अलग अलग पहुंचे हैं और ऐश्वर्या की फैमिली फोटो से गैर मौजूदगी ने इन अफवाहों को और हवा दी है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों अब अलग अलग रह रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ मां वृंदा राय के साथ रह रही हैं। हालांकि खबरों में कहा जा रहा है कि ये कथित अलगाव कानूनी तलाक तक नहीं पहुंचा है। चर्चाओं में तो ये भी है कि अभिषेक के करियर में आए उतार चढ़ाव से उनमें असुरक्षा की भावना थी और उनकी 10वीं की शूटिंग के दौरान निमृत कौर के साथ अफेयर की अफवाहों ने इस रिश्ते पर और भी असर डाला। एक फैन ने रेडिट पर लिखा, अभिषेक ऐश्वर्या की सफलता को लेकर इनसिक्योर थे और इस कथित अफेयर से उनके बीच की दूरी और भी बढ़ गई। हालांकि अभिषेक ने बाद में ये रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। तो ये थे वो छह कारण जिन्होंने ऐश्वर्या और अभिषेक के अलगाव की चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि कपल ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन फैंस बेसब्री से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।